अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक फिट फाट बहुत ही ज्यादा मजे में होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से लेके आई हूँ शॉपिंग व्लॉग। जी हम लोग गए हैं शॉपिंग के लिए और हो नहीं सकता कि कहीं भी जाए एक व्लॉगर और जाके व्लॉग ना बनाए। जी तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे वीडियोस ली हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और थोड़ा थोड़ा साथ एक्सप्लेन भी करूंगी कि ये कौन सी जगह है। जी सबसे पहले हम लोग गए थे एक्सपो सिटी हैदराबाद, जहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे कपड़े मिलते हैं और मैं हमेशा यहाँ पे अपने बच्चों के कपड़े लेने के लिए जाती हूँ। तमाम ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद होते हैं और आपको थोड़ा नॉर्मल रेंज में नॉर्मल प्राइस में यहाँ पे चीजें अवेलेबल मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको मिक्स ब्रांड्स के शर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, रॉम्पर्स, फुल स्लीव्स शर्ट्स एंड हाफ स्लीव शर्ट्स और वेदर के अकॉर्डिंग भी आपको स्टफ मोटे स्टफ मिल रहा था बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए फ्रॉक्स भी बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल थे यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़्यादा कवरेज मैंने नहीं की थी, मेन मकसद हमारा शॉपिंग के लिए जाना था और शॉपिंग करनी थी हमें ज्वेलरी की। तो इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जी मार्केट आ चुके हैं हम लोग और मार्केट का शोर शराबा हला गुला बहुत ही ज़्यादा हजूम और फाइनली हम एक ढूंढते एक अच्छी सी शॉप ढूंढ के यहाँ पे रुक गए थे और यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की थी। इनके पास बच्चों का स्टॉक बहुत ही अच्छा था और अब्रिश का बहुत ही प्रॉब्लम रहता है, अब्रिश की सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है, उसको बहुत ही सॉफ्ट कपड़ों की जो है ना वो डिमांड करती है और सॉफ्ट कपड़े ढूंढते बहुत ही हमारा टाइम स्पेंड हो जाता है। यहाँ पे हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी, काफ़ी अच्छी बार्गेनिंग हुई थी यहाँ पे हमारी और काफ़ी अच्छे कपड़े मिल गए थे बच्चों के लिए। इनका कार्ड भी मैंने आप लोगों के लिए शो किया है, अगर कोई ऑनलाइन बाय करना चाहे तो इन लोगों से कांटेक्ट कर सकता है। इसके साइज का निकालें, कलर भी बहुत अच्छा है। जी साइज छोटा दिखाएं। यहाँ पे हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी और अभी हम लोग जाने वाले थे ज्वेलरी शॉप पे, मुझे कुछ ज्वेलरी बाय करनी थी, कुछ एक्सेसरीज बाय करनी थी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही जबरदस्त मुझे यहाँ पे एक्सेसरीज बहुत ही जबरदस्त ज्वेलरी मिली थी। सबसे पहले मैंने ज्वेलरी बाहर स्टॉल्स पे देखी थी और स्लोली मैं शॉप्स की तरफ गई थी, यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, बस देखने की देर होती है। बंदा यहाँ से भी बहुत ही अच्छी चीज़ें ले सकता है, बहुत ही अच्छी चीज़ें ढूंढ सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी मौजूद है। अब हम लोग आ गए थे एक शॉप पे, ये एक एंटीक्स ज्वेलरी की शॉप थी जहाँ पे एंटीक्स ज्वेलरी मिल रही थी। आप लोग समझ सकते हैं एंटीक्स ज्वेलरी किस तरह की होती है, लेडीज को ज़्यादा अच्छे से मालूम होता है ये। मुझे हैंड एक्सेसरीज का बहुत ज़्यादा शौक है तो यहाँ पे मैंने हैंड एक्सेसरीज बाय की थी, कुछ रिंग चेक की थी, कुछ ब्रेसलेट लिए थे और साथ ही साथ मैंने बहुत सारी यहाँ पे वीडियोस ली थी मुख्तलिफ किस्म की ज्वेलरीज की। ये देख ले सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चौकर था जिसकी मैंने थोड़ी वीडियो यहाँ पे बनाई।
जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के चॉकर्स और ब्रेसलेट, रिंग्स और मुख्तलिफ किस्म की ज्वेलरीज के आइटम्स मौजूद थे। ये एक ब्रेसलेट था, बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई बनी हुई थी। ये एंटीक ज्वेलरीज में जाते हैं, इनका कलर थोड़ा डल होते हैं, लेकिन ये बहुत ही लाइफ टाइम बहुत ही अच्छे चलते हैं। ये वाले आप सेट्स देख सकते हैं, ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये बता रहे थे, 800 में आप जहाँ से कोई भी सेट ले सकते थे, जो मेरे ख्याल में बहुत ही रिजनेबल है। और यहाँ पे मैंने और भी सारी, ये आप देख सकते हैं इनकी ज्वेलरी की कलेक्शन। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये व्लॉग, मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई है और आप मेरे चैनल पे हैं न्यू, तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में करिए शेयर और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट भी आप मेरी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस वॉच कर सकें। यहाँ पे मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, खुशहाल रहें, फी अमान अल्लाह।